लीजिए महाराज, कमालम कमालम चमत्कारम रिकालम। मुझे तो अब बहुत भूख लग रही है, तो चलो किनारे चलते हैं, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। हाँ। सब तैयार हो जाओ, एक दो तीन। और किसका दौड़ जीत गया? उसके थोड़े पीछे है मयूर, और अब राधिका भी किनारे पहुंच गई, लेकिन सुद्दी अभी आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाया है। सुद्दी और तेज, और तेज। लड़का तो बच गया, अब आना नगरी वाले कैसे डरेंगे? महाराज महाराज डरेंगे, और भी ज्यादा डरेंगे। लोकल लोबाग कैसे भला? कृष्णा जरूर उस जल दैत्य के पीछे पानी में जाएगा, और फिर कभी वापस नहीं आएगा। ठीक तो हो ना सुद्दी? हाँ, लेकिन ये है क्या बोला? जो भी है हमारा दोस्त नहीं है। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक जानवर है। ये जीव यहाँ से तैरकर आनंद नगरी तक पहुँच सकता है, फिर आनंदी नदी किसी के लिए सुरक्षित नहीं रह जाएगी। मुझे इसको यहाँ से कहीं और ले जाना होगा। तुम लोग यहीं रुको। जरूर झरने की अंदर की गुफाओं में छिप गया होगा। मुझे आनंद नगरी का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दावत की तैयारी करो। ये कंजूस मक्खी जूस दावत दे रहा है, मजा आ गया। दावत तेरे लिए नहीं है, ये चाहिए थे ना। लेखा तुम्हें परेशान करने नहीं आया, शांत हो जाओ।
इंतजाम करना होगा। धन्यवाद दोस्तों। बचाने के लिए मुझे इसके अंदर जाना होगा। किसना, हम सबको इस राक्षस ने निगल लिया है। निगल तो लिया लेकिन बचा नहीं पाएगा। जल्दी कुछ करो किसना, यहाँ सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। रुको किसना, मैं अभी अपनी चोंच से इसमें छेद कर देता हूँ। तू फिर असफल हो गया। वो दैत्य तो किसना को नहीं खा पाया, अब तुझे भी एक हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। मेरा खाना तो मुझे मिल गया। जो कोई ना कर पाए वो किसना कर पाए। सुद्धि का सपना। कितनी बार कहा है कि मुझे दूध अच्छा नहीं लगता है। अरे दूध अच्छा लगने के लिए नहीं होता, सेहत अच्छी करने के लिए पिया जाता है। दूध नहीं पियोगे तो लंबे कैसे होंगे? अरे मुझे नहीं होना लंबा, नहीं पीना है दूध। अपनी माँ की कोई बात ही नहीं माननी है तुम्हें, ना दूध पीना है ना पढ़ाई करनी है। और ये देखो क्या हाल बना रखा है अपने कमरे का। आज जब तक तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तब तक खेलने नहीं जाओगे। बज गई घंटी। ऊपर से डब्बे उतार कर उनमें ही भर देता हूँ, पिताजी को लगेगा कि सब ठीक से रख दिया है। क्या हाल बना रखा है सुद्दी, किसी से पिटके आ रहे हो क्या? मेरी ये हालत उन लोगों की वजह से हुई है। हाँ? किसकी वजह से? बताओ, मैं अभी उन्हें ठीक करता हूँ। तुम उन्हें नहीं ठीक कर सकते। हाँ? ऐसा कौन है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता, बताओ जरा।